तेरे बहाने तुझे कभी ना आबाद करेंगे, सबसे नीचा गिराकर सिर्फ तुझे ये बर्बाद करेंगे। देखो भाई, आप लोगों का इतिहास का जो एग्जाम है 21 तारीख को होने वाला है, और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको लगता है कि 20 तारीख को केवल पढ़ लेंगे, एग्जाम देने चल जाएंगे, हमारा एग्जाम अच्छा चल जाएगा। देखिए, हो सके कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा चला जाए, लेकिन अभी ये जो समय आप लोगों को मिला है ना, इसका आप लोग भरपूर यूज करिए। जब आप लोगों को इतिहास में 2-3 दिन का गैपिंग मिला है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। इसमें आप लोग जिस प्रकार से आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में फोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही हमें इतिहास में भी फोड़ना है। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग तैयारी करिए। जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ ना, अगर आप लोग हर एक को कर लेते, जिससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और अभी तक मैंने आप लोगों को इतिहास का बहुत सारा वीडियो दे दिया है। अगर आप लोग कंप्लीट हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। 80 तो देख लो भाई, 80 कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। आगे आप लोगों का बहुत सारा कॉमेंट्स आ रहा है कि सर सब्जेक्टिव कराइए, बिल्कुल करा दूंगा सर। ऑब्जेक्टिव हमारा और एक दो वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिर जितना भी वीडियो मैंने अभी तक जितना भी अपलोड किया है, हर एक वीडियो को एक मर्ज कर दूंगा और आप लोगों के लिए एक महातांडव सीरीज ले आऊंगा। महातांडव सीरीज जो होगा, एक ही वीडियो में पूरा किताब खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, धाकर तैयारी करिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए आप लोग। चलिए भाई, शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? ठीक है, गंगा, सोन, पुनपुन। तो भाई यहां पर तीनों हो जाएगा, गंगा, सोन, पुनपुन, सभी, मतलब इन सभी के संगम पर क्या था? ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको भी यहां पर आंसर पता है, पहले आप लोग खुद से सोच सकते हैं, और आप लोग यहाँ पर कितना मतलब क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हैं, कितना आपको पता है, नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और भाई, आप लोग एक तो काम करिए, जब आप लोगों का अच्छा एग्जाम जा रहा है, इतना कष्ट से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जाम जब अच्छा जा रहा था, लोग जितने भी दोस्त वगैरह जितने भी होंगे, सबके साथ एक वीडियो बनाकर मुझे शेयर करें। आप लोग टेलीग्राम पर शेयर करिए, लेकिन जरूर से जरूर शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समस्त भारत ही नहीं, एशिया यूरोप में सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर 2 हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन। नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त बोला जाता है, याद रखिए, नेपोलियन को क्या बोला जाता है? यूरोप का समुद्रगुप्त बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो देख लो भाई, यहां पर किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रभावती गुप्त। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम सातवाहन राजाओं ने किया था, जिसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख में है। ठीक है, बात को ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाता था, सबसे पहले किसने स्टार्टिंग किया था भाई इस चीज को? सातवाहन राजाओं ने, जिसका उल्लेख जो है नानाघाट अभिलेख में मिलता है। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश है। अगर मान के चलो कि अगर ऑप्शन में अगर नानाघाट अभिलेख रहता, तो आपका ओ वाला आंसर हो जाता। ठीक है, नानाघाट रहने से नानाघाट भी हो जाएगा। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, और इसके अकॉर्डिंग यहां पर प्रभावती गुप्त यहां पर ये आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्या है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? तो सातवाहन काल का हो जाएगा, सातवाहन वंश का होगा, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला है? कहां मिला है? तो एरन सागर में। कहां भाई? एरन सागर, एरन, ठीक है, सागर। मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरन स्तंभ शिलालेख से सती प्रथा के पहले अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं। कुछ अभिलेख बताते हैं कि सती का पहला उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में मिलता है। देखो भाई, यहां पर बात है ना, इतिहास है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो यहां पर कुछ प्रमाण यहां पर एरन अभिलेख से मिलता है, तो कुछ प्रमाण यहां पर हमें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कुछ अभिलेख बताते हैं कि सती का पहला उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में मिलता है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप का भी बोला जा सकता है, बट यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, एरन अभिलेख आप लोग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। जो अशोक का जो 13वां जो शिलालेख है, उसी से कलिंग विजय का पता चलता है, जो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। यहाँ पर देखिए भाई, मैंने कुछ नोट लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अशोक के अभिलेखों की संख्या 33 हो, अशोक के शिलालेखों की संख्या 64 हो, स्तंभ लेखों की संख्या 6 हो, गुहा लेखों की संख्या 3 हो। अशोक के शिलालेख की जो खोज है 1750 ईस्वी में पादरेटी फेंथेलर ने की थी। देख लो भाई, कब किया था, किसने किया था? 1750 में किया था पादरेटी फेंथेलर ने।
इसके बाद भाई जो हमारा अगला जो है यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। यानी देखो जो अभी जो अशोक का जो अभिलेख है उसको पढ़ने में जो सफलता हासिल किया था किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। कब? तो 1837 को। अशोक का सातवां अभिलेख सबसे लंबा है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जो सबसे लंबा है, तो सातवां वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन 8 क्या है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, तो स्तंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने की, तो मेगस्थनीज इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेगस्थनीज ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, प्रयाग प्रशस्ति देख लो भाई, हरिसेन ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरिसेन ने किया था। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, तो फाहियान आया था। ठीक है, 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फाहियान इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गुप्त काल, जो गुप्त काल है ये स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश हो जाएगा, यानी कि अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे है देखिए कि कौटिल्य की कृति है तो अर्थशास्त्र, यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौटिल्य जिसको कि चाणक्य भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसका कौन सा कृति है भाई, मतलब क्या चीज इसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने ही लिखा था। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 अर्थशास्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो प्रयाग प्रशस्ति में, किसमें? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था, तो हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था, नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो भाई किसने किया था, उदयन ने किया था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको सबसे पहले आप लोग पढ़िए, ठीक है। सम्राट अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। पहले देखिए इसका राजधानी राजगृह था, फिर इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ, पाटलिपुत्र। किसने? तो उदयन ने। उदयन ने गंगा सोन एवं पुनपुन, देखिए पुनपुन को गंडक नदी भी बोला जाता है, तो पुनपुन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी परिवर्तित कर वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने क्या किया, जैसे उदयन ने पाटलिपुत्र का बना दिया, तो शिशुनाग ने क्या किया, पाटलिपुत्र से ये वैशाली को शिफ्ट कर दिया। उसके पुत्र कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना दिया। फिर इसका जो बेटा होता है शिशुनाग का कालाशोक, तो ये क्या करता है, फिर से पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना देता है। ये सब जो नोट मैं लिखा रहा हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है भाई, इसका नाम है मांडा। क्या नाम है? मांडा। इसका जो पूर्वी सीमा है, इसका नाम है आलमगीरपुर। ध्यान से सुनिए, पूर्वी सीमा का नाम हो गया आलमगीरपुर। इसके बाद देखिए जो पश्चिमी सीमा है, इसका नाम है सुतका गेंडोर, ठीक है। जो उत्तरी सीमा है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मांडा है, और जो दक्षिणी सीमा है, इसका नाम है दायमाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी कुछ भी, दक्षिणी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस चीज को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहां से प्राप्त करते थे, तो सोर्तुगई से, जो कि अफगानिस्तान में है, ये लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहां से प्राप्त करते थे, कहां से प्राप्त करते थे भाई, तो दक्षिणी भारत से, दक्षिणी भारत से। नोट करिए, देखिए कौन मिला कहां से क्या क्या प्राप्त करता था, सोना देखिए कहां कहां से, तो अफगानिस्तान से, फारस से, दक्षिण भारत जो कि कोलार खान से। कोलार मूवी याद आया ना, KGF में जो देखे हैं आप लोग, ठीक है, चलिए कोई नहीं। चांदी कहां कहां से, तो ईरान से, अफगानिस्तान से। तांबा बलूचिस्तान से, अरब से। खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, ये सब जगह से प्राप्त करते थे। लाजवर्द जो कि नीला रत्न जो है, नील रत्न जिसको बोलेंगे, ये प्राप्त करता था, क्या है, बदखंसा सोर्तुगई जो कि अफगानिस्तान में है। सीसा ईरान से, अफगानिस्तान से। सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से। सुलेमानी पत्थर सौराष्ट्र, ठीक है, और पश्चिमी भारत से। नीलमणि महाराष्ट्र से, क्या है, अलाबास्टर बलूचिस्तान से, ठीक है। शंख और कोड़ियाँ सौराष्ट्र और दक्षिणी भारत से, ये सब याद रखिएगा। अगला है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास, लोग कपास का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में करते थे। आगे कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है, देखो भाई इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ये हो जाएगा आंसर, जो कि यहाँ पर एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ये हो जाएगा इसका प्यारा सा सुंदर सा आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या, कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था, तो गुजरात में जो बंदरगाह था इसका नाम था लोथल। क्या नाम था? लोथल नाम था, याद रखिए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो भाई पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे, ईंट हो जाएगा इसका आंसर।
सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो नाविकों का देश मेलुहा को बोला गया है, मेलुहा को नाविकों का देश बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोथल की खोज किसने की? लोथल देखिए एस आर राव ने, यानी कि शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने किया था। एस आर राव ने किया है भाई लोथल की खोज। पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, नोट करिए। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो खेतड़ी से प्राप्त करते थे, खेतड़ी अभी मैंने आप लोगों को बताया। धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई? तो धोलावीरा का जो खोज है 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा हुआ है, तो इसको आर एस बिष्ट भी या फिर आर सिंह बिष्ट भी बोला जाता है, रविंद्र सिंह बिष्ट हो गया। तो 1990-91 के बीच इसका खोज हुआ था, 1990 हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? ये चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत, मैंने ऊपर में सब कुछ पढ़ा दिया है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो भाई महाभारत का जो युद्ध है ये 18 दिनों तक चला था, याद रखिए 18 दिन। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या ये भी हमारा 18 है, 18 दिन महाभारत का युद्ध भी चला था और पुराणों की संख्या भी 18 ही है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? तो प्राचीन भारत का जो महाकाव्य है तो इसका हो जाएगा महाभारत हो जाएगा। रामायण की रचना किसने की? तो वाल्मीकि मुनि ने किया था, वाल्मीकि इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुस्मृति के रचयिता थे, मनुस्मृति के रचयिता भाई यहाँ पर कौन हो जाएंगे देख लीजिए, मनु हो जाएंगे। मनुस्मृति से मनु यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, द्रोणाचार्य हो जाएगा। कर्ण की माँ कौन थी? देखिए कर्ण की माँ का नाम है कुंती, क्या नाम है? कुंती, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कुंती पुत्र कर्ण, ठीक है कुंती बोलते हैं। भीम की पत्नी थी? तो हिडिंबा, हिडिंबा कौन थी? भीम की पत्नी। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे, कौन शामिल थे भाई? तो भीष्म शामिल थे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान सुनिएगा, हाँ देख लीजिए क्या है कि कौरवों की ओर से दुर्योधन और उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी आदि शामिल थे। भीष्म भी शामिल थे, द्रोणाचार्य भी शामिल थे, कर्ण भी शामिल थे, शकुनी भी शामिल थे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से इस ऑप्शन को देखेंगे तो इस ऑप्शन में देख लीजिए ये सबका नाम मात्र खाली यहाँ पर भीष्म का नाम दिया गया है, बाद में द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी ये सबका नाम नहीं दिया गया है, बात क्लियर हो रहा है? इसलिए यहाँ पर हमारा भीष्म इसका उत्तर हो गया। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी ये सब भी रहेगा तो आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आपने भीष्म बताया हम लोग भीष्म पे टिक करके आ जाएंगे, नहीं, भीष्म भी था, द्रोणाचार्य भी था, कर्ण भी था, शकुनी भी था, ये सब चीजों के ऊपर आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी तक देखिए यहाँ पर हमारा 41 क्वेश्चन तक हो गया, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आगे का अभी हम लोग और यहाँ पर करीबन और 40 क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं, फटाफट चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई, कब आरंभ हुआ था भाई? तो 10 मई 1857 को ही आरंभ हुआ था, 10 मई इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? देखो चार ऑप्शन दिया गया है, कौन था बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और देखिए यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, वे 1898 भारत के पहले वायसराय भी बने, इसको नोट कर लीजिए। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अपवाहें फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? भाई यहाँ पर जितना दिया गया ना सारा का सारा अफवाह सही था कि कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है, बिल्कुल सही है। घी, आटा और शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है, ये भी सही है। गाँव में चपातियों एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, ये भी सही है। यानी उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? तो काल मार्कस ने कहा है, किसने भाई? काल मार्कस ने क्या कहा है? 1857 के गदर को उसने क्रांति कहा है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक का नाम है अशोक मेहता, क्या नाम है? अशोक मेहता। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो छबिली भी बोला जाता है, मनु भी बोला जाता है, मणिकर्णिका भी बोला जाता है, तो इनमें से सभी नामों से ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो काशी में हुआ था, नोट करिए। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, देखो ध्यान से, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला भी बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो चर्बी वाले कारतूस हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें सुअर का और गाय का चर्बी लगा दिया जाता था। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में क्या था? पीर अली ने, किसने किया था? पीर अली। जब पीर अली को अंग्रेजों ने फांसी दे दी तब पटना के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। देखो अभी ध्यान से सुनो, सबसे पहला बात, सबसे पहले पीर अली करते थे, जब पीर अली को फांसी दे दिया गया तब इसका जो नेतृत्व है कुंवर सिंह ने किया, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर कुंवर सिंह होगा, लेकिन पहले बात को समझो कि सबसे पहले पीर अली करते थे, जब इनको फांसी दे दिया गया ना तब इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। आगे चलिए क्वेश्चन 11 के, बिहार के जगदीशपुर में
1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अभी मैंने आप लोगों को बताया, कुंवर सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि व्यवगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा हमारा डलहौजी से। किससे? डलहौजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब भाई देखो, यहां पर ये जो व्यवगत का सिद्धांत है, जिसको हम लोग विलय नीति भी कहते हैं, क्या है? तो डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत दिया था। ये जो व्यवगत का जो सिद्धांत है, इसका जो थ्योरी है, इसका जो कंसेप्ट, इसका जो सिद्धांत है, किसने दिया था? तो डलहौजी ने दिया था। व्यवगत का सिद्धांत क्या था आखिर में? कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी पूरी संपत्ति अंग्रेजों का हो जाएगा। इसे व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति या फिर विलय नीति भी कहा जाता है। बात क्लियर हो रहा है? व्यवगत का सिद्धांत क्या था कि मान चले कोई राजा है, अगर उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी अगर उसका कोई बेटा नहीं है, तो जो भी संपत्ति है राजा का, वो कौन हड़प लेगा? तो अंग्रेज हड़प लेगा। इसी को हड़प नीति, विलय नीति या फिर व्यवगत का सिद्धांत भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था या फिर थी कौन? तो कुंवर सिंह। देखिए यहाँ पर पीर अली कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, बात को ध्यान से सुनो, पीर अली नहीं दिया है, इसलिए कुंवर सिंह इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो शेख रमजान ने किया था। किसने? शेख रमजान। क्वेश्चन नंबर 15 की सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? तो 322 दिन, ठीक है। और ये भाई हमारा हुआ था 27 जून 1857 में शरण लिया था। देखो 27 जून 1857 में शरण लिया था और 222 दिन वहां पर रहना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कनिष्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो भाई वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद है। बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो अशव घोष, अशव घोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशव घोष ने बुद्ध चरित की यहाँ पर रचना की है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे कौन? थे प्रथम भाई, तो प्रथम थे हमारे ऋषभदेव, और अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी। याद रखिएगा, अंतिम हमारे महावीर स्वामी थे और प्रथम हमारे ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कि मुक्ति के 3 सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो भाई इसको त्रिरत्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिरत्न बोला जाता है। सारनाथ किस राज्य में है? तो भाई ये उत्तर प्रदेश में हमारा सारनाथ है, ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में क्या है? सारनाथ है। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो सांची स्तूप की जो खोज है, जे टेलर ने किया था। सन 1818 में ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने सांची की खोज की, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। अभी भी प्रकृति की पूजा होती है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता, लेकिन पहले ही करते थे। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा यहाँ पर होने लगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी किसकी? तो यहाँ पर H.H. कोल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, सब हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी की ये हो जाएगा इसका सही आंसर। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बोलो भाई, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा रायसेन। क्या हो जाएगा? रायसेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो यहाँ पर आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं क्या है, गोद्रलायन, सबके सब हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो कनिष्क के शासक काल में हुआ था। संलेखन या फिर कायाकलश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो जैन धर्म में है, ठीक है, जैन धर्म हो जाएगा। नाथमुनि का संबंध है, नाथमुनि का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा टीले, देखो ठोले नहीं टीले लिखिएगा, ठीक है, मतलब मिसप्रिंट है, हड़प्पा टीले हो जाएगा, टीले टीले, ठीक है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में किसने किया था भाई? तो चार्ल्स मेसन ने किया था। किसने? चार्ल्स मेसन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की, किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था, याद रखिए राखलदास बनर्जी। ट्रिक के बारे में मैं आप लोगों को पहले बताया था, और ट्रिक आएगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट मैके इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का उन लोगों को ज्ञान नहीं था, लोहा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला होता है। कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में हमारा कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा ने, हड़प्पा में कराया था, ठीक है, हड़प्पा हो जाएगा इसका। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव हो जाएगा यहाँ पर, शिव इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं माने जाते हैं। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगला क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है, याद रखिएगा, कौन सा? तो कांस्य युग का ये सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से
कौन एक नहीं है, तो साहित्य नहीं है भाई, बाद में सिक्का अभिलेख भग्नावशेष ये सब है बट साहित्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आज का ये जो हमारा प्यारा सा सुंदर सा वीडियो रहा, इसमें हम लोगों ने कंप्लीट देखिए ऐसे तो मैंने आप लोगों को 82 क्वेश्चंस करा दिया, खैर कोई नहीं, आगे आप लोगों का इसी प्रकार से वीडियो आने वाला है जहां पर मैं फिर से आप लोगों को 82 क्वेश्चंस कराऊंगा और इसी प्रकार से हमारा इतिहास का जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है खत्म हो जाएगा। आप लोगों को अगर पूरा वीडियो देखना है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।